CUET UG 2022 के दूसरे फेज के एग्जाम में हुई गड़बड़ियों के बाद अब NTA ने परीक्षा की नई तारीख जारी की है। CUET UG 2022 फेज 2 के एग्जाम के लिए 4, 5 और 6 अगस्त 3 दिन लगातार छात्र एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे और फिर पता चला कि टेक्निकल गड़बड़ियों की वजह से एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। UGC चेयरमैन जगदीश कुमार ने बताया है कि ये एग्जाम अब 24 से 28 अगस्त के बीच कराए जाएंगे। हालांकि फेज 3 के एग्जाम की डेट में कोई बदलाव नहीं है और वो 17, 18 और 20 अगस्त को ही होंगे। जगदीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा, CUET UG 2022 एग्जाम का फेज 2 का एग्जाम जो कि 4 से 6 अगस्त के बीच होना था वो तकनीकी और प्रशासनिक वजहों से 12 से 14 अगस्त के बीच पोस्टपोन किया गया था। NTA ने स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन भी दिया था कि वो 12 से 14 के अलावा भी कोई डेट चुन सकते हैं, जिसके बाद 15,811 स्टूडेंट्स ने डेट चेंज करने के लिए अप्लाई किया। कई स्टूडेंट्स ने 12 से 14 के बीच पड़ रहे त्योहारों की वजह से आगे एग्जाम डेट देने का फैसला किया है। इन सारी रिक्वेस्ट को देखते हुए 12 से 14 अगस्त के बीच होने वाले एग्जाम को अब 24 से 28 अगस्त के बीच कराया जाएगा। इसके लिए फिर से नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे जुड़े सारे अपडेट्स कैंडिडेट्स को NTA की वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स की शिकायतों के लिए NTA ने एक स्पेशल मेल ID भी जारी की थी। जगदीश कुमार ने बताया कि स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन, पेपर मीडियम और पेपर के बारे में कोई भी शिकायत अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ cuetgrievance@ntaac.in पर दर्ज करा सकते हैं। हालांकि एग्जाम कैंसिल होने से हजारों छात्रों को काफी परेशान होना पड़ा। देश भर में 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सेंटर के बाहर से वापस भेज दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक NTA समय से क्वेश्चन पेपर नहीं अपलोड कर पाया था, जिसकी वजह से एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद NTA की डायरेक्टर साधना पारश ने बताया था कि ये एग्जाम 12 से 14 अगस्त के बीच कराया जाएगा और वही एडमिट कार्ड पेपर के लिए वैलिड होगा। हालांकि अब UGC चेयरमैन M जगदीश कुमार ने नई तारीख और नया एडमिट कार्ड देने की जानकारी दी है। CUET UG 2022 के लिए 14,40,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। CUET एग्जाम का स्कोर देश भर की 90 यूनिवर्सिटीज के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए यूज किया जा सकता है, जिसमें 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज, 21 प्राइवेट और 13 डीम्ड यूनिवर्सिटी शामिल है। शुक्रिया इस खबर पर आपके लिए रिसर्च की है मेरे साथी प्रशांत ने, कैमरा संभाला है जतिन ने। देखते रहे रंगरूट।